आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सेकंड को बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सोडियम एंड इट्स कंपाउंड्स वुड इंक्लूड दैट। तो हम लोग को बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग सोडियम। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, सोडियम फॉर्म्स एन आयोनिक हाइड्राइड NaH। ओके, अब बेसिकली अगर हम सोडियम मेटल को डायरेक्टली रिएक्ट करा दें हाइड्रोजन से तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, सोडियम हाइड्राइड। बेसिकली ये एक आयनिक हाइड्राइड होता है, बेसिकली एक ऐसे होता है Na प्लस H माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, एनायन की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम लोग इसको हाइड्राइड बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा करेक्ट हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है, सोडियम नाइट्राइड डिकम्पोजेस टू द नाइट्राइड ऑन हीटिंग। ओके, अब बेसिकली हम देखें जो सोडियम नाइट्रेट है वो कैसा होता है, NaNO3। अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये NaNO2 फॉर्म होता है, और साथ में क्या फॉर्म होता है हमारा, इसका फॉर्म होता है हमारा ऑक्सीजन गैस। अगर बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये नाइट्रेट से, ये बेसिकली हमारा नाइट्रेट है NO3 वाला और NO2 वाला नाइट्राइट है। ओके, बेसिकली ये नाइट्रेट नाइट्रेट कन्वर्ट हो जा रहा है, नाइट्रेट टू नाइट्राइट कन्वर्ट हो जा रहा है ऑन हीटिंग, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन बोला सोडियम इज अ हार्ड मेटल, तो बेसिकली एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई, बिकॉज सोडियम किसको बिलोंग करता है, एल्कली मेटल के ग्रुप को बिलोंग करता है। एल्कली मेटल्स में सारे एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं, उनको नाइफ से कट कर सकते हैं भाई, बिकॉज उनमें वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है भाई, बिकॉज उनके वैलेंस शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि ये वीक मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है, और उसे हम लोग इजीली कट कर सकते हैं थ्रू नाइफ। इसी वजह से सोडियम एक सॉफ्ट मेटल होता है और सारे एल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, एक सॉफ्ट मेटल होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोला है, सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस रेडिली ऑन हीटिंग। तो अगर हम देखें तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 होगा सोडियम कार्बोनेट, और हम लोग को इसको हीट करना पड़ता है एट अबाउट 850 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर ये डिकम्पोज होता है सोडियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि हम लोग को 850 डिग्री सेल्सियस से जाना पड़ता है टेम्परेचर, तब तक ये डिकम्पोज होता है। तो इसे हम लोग रेडिली नहीं बोल सकते क्योंकि इसको हम लोग वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट देना पड़ता है, इसी वजह से हम लोग इसको भी गलत बोलेंगे। वाई बिकॉज इसमें बोला है रेडिली, क्योंकि यहाँ पे रेडिली नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, इसी वजह से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू गेट द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।